नमस्कार दोस्तों, आज हम हैं दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में। इस जगह को पहले नेहरू म्यूजियम के नाम से जाना जाता था, बट कुछ साल पहले इस जगह को रीडेवलप कर प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम के रूप में बनाया गया, जिसमें देश के सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में बताया गया है। और सबसे अच्छी बात है, इस जगह को एक नई टेक्नोलॉजी के रूप में भी डेवलप किया है सरकार ने। देखेंगे इस वीडियो में क्या है इस म्यूजियम में खास और क्यों है इस जगह की इतनी ज्यादा वैल्यू। थैंक यू, लेट्स गो। जैसा कि आपको नाम से पता चलता है, इस म्यूजियम में आपको हमारे देश के अब तक रहे 14 प्रधानमंत्रियों की गैलरी देखने को मिलेगी। हर गैलरी एक बेहतरीन टेक्निक के मिक्सचर के साथ प्रधानमंत्रियों के जीवन और कार्यकाल को दिखाती है। आप यहां उनके शुरुआती जीवन, पॉलिटिकल करियर और उन चैलेंजेस की झलक देख सकते हैं जो उनके समय में हुई थी। साथ ही इन प्राइम मिनिस्टर की सफलताओं को भी यहां दिखाया गया है, जो आम जनता के देखने के लिए खुली हुई है। इस म्यूजियम की सबसे स्पेशल बात यह है कि ये देश का पहला ऐसा म्यूजियम है जहां आपको नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी एक्सपीरियंस करने को मिलेगी, यानी कि आप अपने प्रेजेंट में देश के पास्ट और फ्यूचर को एक साथ विटनेस कर सकेंगे। आई मीन हाउ कूल इज दैट। जैसे कि ये देखिए, यहाँ एक टाइम मशीन भी है जहां आप भारत के इतिहास को जानने के लिए पास्ट में ट्रैवल कर सकते हैं। इसके अलावा यहां आपको नेशनल एम्बलम 3D में दिखाई देगा, जिसे आप उड़ते हुए और घूमते हुए भी देख सकते हैं। And here comes one of the coolest things again. ये तिरंगा वेव्स जो आप देख रहे हैं, इसे काइनेटिक LED लाइट्स के साथ तैयार किया गया है। इतना ही नहीं, यहाँ आप अपने फेवरेट प्राइम मिनिस्टर के साथ पिक्चर्स भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ सोफा चेयर्स के साथ एक पूरा सेटअप बनाया गया है, जहाँ आप आराम से बैठकर फोटो क्लिक करवा सकते हैं, तो और उनके साथ वॉक करते हुए वीडियो भी बना सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ एक दिलचस्प हैंडराइटिंग रोबोट भी है, जिसे बोलकर आप किसी भी प्राइम मिनिस्टर के साइन ले सकते हैं। यहाँ कई मजेदार चीजों के बीच एक 6D हेलीकॉप्टर राइड जोन भी है, जहाँ आप भारत के भविष्य का अनुभव ले सकते हैं। हेलीकॉप्टर में उड़ान भरते हुए आपको इंडिया का फ्यूचर दिखाया जाएगा। इसके अलावा म्यूजियम में एक एरिया है जिसे शताब्दी संकल्प के नाम से जाना जाता है। यहाँ आप एक मैसेज छोड़ सकते हैं कि 2047 में आप भारत को किस तरह से देखते हैं, इस पर आप अपनी राय दे सकते हैं। तो हमने आज का अपना दिन यहाँ PM नेशनल म्यूजियम में बिताया, और मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ये हमेशा मेरी ज़िंदगी का एक बहुत ज़्यादा यादगार लम्हा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री से लेकर अब तक के प्रधानमंत्री तक का जो सफ़र दिखाया है, अगर आप लोग भी यहाँ पर आएंगे तो आप भारत की संस्कृति, इतिहास और देश के जो भी प्रधानमंत्रियों ने अब तक यहाँ पर जो भी काम किए हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।